तो सलमान खान की फिल्म भाईजान पोस्टपोन होकर ईद पे आ रही है, आपका क्या कहना है? जी हाँ, अभी देखिए मैंने भी नया पोस्टर देखा अभी हाल ही में, देखिए सलमान भाई ने दोनों मूवी उनकी पोस्टपोन कर दी है। पहले तो टाइगर 3 का पोस्टर उन्होंने अपलोड किया कि भैया वो दिवाली 2023 पे चली गई, ईद 2023 की जगह, फिर सभी वेट कर रहे थे कि भैया अभी ईद पे क्या आएगा, ईद पे क्या आएगा, तो भैया लो किसी का भाई किसी की जान भी उठाना पोस्टपोन कर दी साल 2023 की ईद पे, अब किसी का भाई किसी की जान देखने को मिलेगी। खैर मेरे हिसाब से सही भी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए दिसंबर के एंड में आनी थी फिल्म, उसके बाद देखिए फिर पठान आनी थी, तो ठीक है फिर वैसी पठान में फिर सलमान खान देखने को मिलते, फिर टाइगर 3 आ रही थी, तो मेरे ख्याल से ठीक है पठान आ रही है जनवरी में, पठान में भैया सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, जो भी फैंस वेट कर रहे हैं सलमान खान का भी पठान में देख। उसके बाद ईद पे किसी का भाई किसी की जान आ ही रही है, उसके बाद दिवाली पे टाइगर 3 देखने को मिलेगी। हालांकि मैं भी निराश हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखिए सभी वेट कर रहे थे कि भैया सुनने में आ रहा था अभी 23 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला था उसके बीच में हमें टीज़र देखने को मिलने वाला था, टीज़र या ट्रेलर किसी का भाई किसी की जान का, सभी सलमान खान के फैंस वेट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया सलमान भाई को प्रॉपर तरीके से बड़ी स्क्रीन पर देखे हुए, अंतिम में दिखाई दिए थे, फिर गॉडफादर आई थी, किसी का भाई किसी की जान 30 तारीख को आनी थी, लेकिन अब वो ईद 2023 पे पहुंच गई है, तो ईद पे वैसे सलमान भाई की रहती है ईद हमेशा, तो ईद पे अच्छी कमाई कर सकते।